हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम झा भानसपात में आप सबका स्वागत करती हूँ। अचानक मेहमान आने वाले हो और घर में सब्जी कुछ भी ना हो तो क्या करें। बहुत ऐसा प्रॉब्लम्स हम लेडीज़ को फेस करना पड़ता है और मैनेज भी हमें ही करना पड़ता है। आज की जो रेसिपी है वो है बहुत ही स्पेशल। जब कोई भी सब्जी आपके घर में ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप ये सब्जी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खाने में मज़ेदार है। तो चलिए आज के वीडियो में हम घर में ही रखे चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनाएंगे बिना सब्जी के। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सबका बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 4 लोगों के लिए बनाया है ये सब्जी। तो अंदाज से हमने 3 मुट्ठी मसूर का दाल लिया है और इसमें पानी उबाल करके डाल दिया है। इसे आप 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दे साइड में। यहाँ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसे हमने काट लिया है, और हमने 6 लहसुन की कलियाँ ली है, उसको भी हम छील लेंगे। अब जो हमने प्याज लिया है कटा हुआ, उसमें से आधा प्याज और लहसुन की कलियाँ को पीस लेना है। ये देखिए हमारा दाल भी यहाँ रेडी है, तो इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर दाल पीस करके रेडी है। अब जो बचा हुआ प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे, साथ में 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने दाल का पेस्ट तैयार कर लिया है और एक प्याज और लहसुन वाला पेस्ट है। तो इसमें हम नमक स्वादानुसार डालेंगे और धनिया पाउडर दोनों पेस्ट में हमें डाल देना है। दाल के पेस्ट में भी 1/2 छोटी चम्मच और प्याज वाले पेस्ट में भी। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, दाल में 1 चुटकी और प्याज वाले पेस्ट में 1 छोटी चम्मच। तो ये देखिए यहाँ पर इतना सा प्याज हमने बचा करके रखा है। अब हम इसमें हरी मिर्च कट करके डाल देंगे और लास्ट में 1 चुटकी भर अजवाइन, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार है। अब हम गैस जला करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देना है। इसमें अब हम हाथ से बैटर को थोड़ा दबाते हुए इस तरह से शेप बना करके तेल में सावधानी से डालते जाएंगे। थोड़ी देर इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा सख्त होने लगेगा। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। दोनों साइड अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसे निकालेंगे। ये देखिए अब प्रॉपर ये कलर आ गया है इसमें। अब बचे हुए बैटर का भी इसी तरह और भी कच रेडी कर लेंगे बना करके। तो चलिए बाकी का जब तक फ्राई होता है तब तक हम एक टमाटर को काट लेते हैं। और ये जो दाल का कच हमने तैयार किया हुआ है ये ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर हमने सारे कच को रेडी कर लिया है। अब इसी तेल में हम फोरन डालेंगे। इसमें अब 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। फिर हमें इसमें प्याज डाल करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये जब तक प्याज भून रहा है तो मैं आपको एक कच यानी कि पकौड़े तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पे गलने लगा है। अब जो मसाला हमने रेडी किया था वो मसाला इसमें डाल देंगे और साथ ही डालेंगे स्वादानुसार नमक, और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि साइड से तेल ना निकलने लगे। तो ये देखिए साइड से तेल ये छोड़ने लगा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको जितना ग्रेवी जैसा रखना है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम उबाल आने देंगे एक। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी उबलने लगा है।
अब हम इसमें एक एक करके जो हमने कच बना रखा है वो इसमें डाल देंगे और इसे हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, इसे ऐसे ही हम रहने देंगे और इसे पकाना है कुछ देर तक। अब आप देख सकते हैं कि इसका रस गाढ़ा हो गया है और पहले से देखिए ग्रेवी यहाँ पे कम हो गया है। तो अब ये रेडी है, तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देंगे और हम इसे बाउल में या फिर किसी प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो देखिए ये कितना यमी लग रहा है, आप इसे रोटी पराठा या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एक बार ये सब्ज़ी आपने खा ली तो बार बार खाने का मन होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।